इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है समीर मीणा, मीणा हूँ मैं, राइट right? और मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई, ये मेरे बारे में। और 2014 मतलब 2014 से मैं हूँ इस पर, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे बच्चे भी सारे खुश रहते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो सीरीज चालू कर रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, ये टेंसेस के ऊपर रहेगी, मतलब इसमें हम सारे टेंसेस सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हमारे टेंसेस क्लियर नहीं है, इस वजह से हमें इंग्लिश नहीं आ रही, तो देख लेते हैं ये टेंसेस जो भी हैं हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद देखते हैं आपको इंग्लिश आती है या फिर नहीं। बात एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर, देखिए मैं थोड़ा सा मैं इसमें कुछ टीचर्स की उतारने वाला हूँ, मेरी भी उतार सकता है कोई वीडियो में, राइट। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ भाई, कुछ टीचर्स हैं जिनके बहुत मिलियंस में यू नो सब्सक्राइबर्स हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, उनसे सीखते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, राइट। बट यार तुम टीचर्स हो और तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप व्यूज के चक्कर में या फिर आप यू नो ट्रैफिक गैदर करने के चक्कर में आप कुछ भी मत पढ़ाइए। लाइक मैंने देखा है लाइक ही मतलब वह होता है यार, हद होती है। मतलब आप बताइए कितने बार दिन में आप वह बोलते हो ही को, कभी बोला आपने? आप खुद सोचिए, दिन में खुद दिमाग में सोचिए कि आप दिन में कितनी बार वह बोलते हो कि वह मेरा दोस्त है, कभी आपने ऐसा बोला है? हम बोलते हैं वो मेरा दोस्त है, बट जब हम पूछते हैं टीचर से कि वो मीन्स क्या होता है तो बोलेंगे दे। तो यहां प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं बट द प्रॉब्लम इज कि किताबी लैंग्वेज देखकर वो पढ़ाते हैं। मैंने देखा है कि कई बार लोग जो किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमें वैसा नहीं पढ़ना है, टेंसेस भी वैसे नहीं सीखने जैसे किताबों में है, क्योंकि ना तो वो किताबों के एग्जाम्पल आपके कभी काम आने वाले हैं, बिलीव मी कभी नहीं आने वाले, राइट भाई। आप देखना कभी जब लोग पढ़ाते हैं तो उनका तरीका ये रहता है, राम स्कूल जाता है, राम मोहन से बाहर ही नहीं आ पा रहे यार, यार आजकल तो राम मोहन नाम नहीं होते यार किसी के, हम एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बच्चों को, सूरज यहां से उगता है यहां डूबता है, अबे बोलेगा कब बच्चा, बोलेगा कब? कुल मिला के बात इतनी सी है, हम कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वो एग्जाम्पल होंगे रियल लाइफ के ऊपर। हम ट्रांसलेशन भी करेंगे तो हम उस हिंदी से इंग्लिश में करेंगे जो हिंदी हम बोलते हैं। अब मैंने बोला, कभी आपने अपने दोस्त से ऐसा बोला है मित्र आप कैसे हो? नहीं बोला ना कभी, हम बोलते हैं अबे कैसा है तू, तो हमें अब ये नहीं बताया जाएगा कि तू कैसा है कि अंग्रेजी क्या, हमें बताया जाएगा मित्र आप कैसे हो, वह मेरा मित्र है। हमें नहीं सीखनी इसकी इंग्लिश, हमें सीखनी है वो मेरा दोस्त है इसकी इंग्लिश बताओ, पर वो ही का मतलब तो वह होता है, तो भाई इस कचरे से बाहर निकलना है कुल मिला के। आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा बोल रहा हूं बट ये रियलिटी है, ऐसा होता है यूट्यूब पे मैं देखा है। तो चलिए ये सीरीज पूरी टेंस के ऊपर रहेगी और सारे टेंस क्लियर होंगे आपके, बिल्कुल होंगे, अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए उन लोगों के पास जिनको जरूरत है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है लाइक करना है करिए, कॉमेंट करना है करिए, चूंकि जो मुझे जानते हैं जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं जिनको जरूरत है चीजों की एडवांस चीजों की, वो जरूर से लाइक करेंगे कमेंट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये क्या है और उनको क्या मिल रहा है। एंड सो सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पढ़ाने का तरीका ही है, मैं बस रियलिटी बता रहा हूं जो कि चुभती है, राइट। तो हमें टेंस सीखना है रियल वे में, जैसी हिंदी हम नेचुरल बोलते हैं उस हिंदी से ट्रांसलेशन करना सीखना है। पूरी सीरीज, इस सीरीज में सारे पार्ट्स टेंसेस में सारे टेंस क्लियर होंगे, तो आज हम सिर्फ एक टेंस के ऊपर बात करेंगे एंड दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। और वो भी वैसे नहीं पढ़ाऊंगा रहा रही आ रहा था एनजी लगा दे, ना ना ना, बस देखिए वीडियो को लास्ट तक तो आपको समझ आएगा। ऑलराइट तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए चलिए जी शुरू करते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे कुछ लोग इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट नहीं, इट्स प्रेजेंट, राइट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ऑलराइट तो कुछ बेसिक स्पेल मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखिए बिल्कुल आप बोर नहीं होने वाले क्योंकि टेंसेस इतनी घटिया चीज है जो इंसान को बोर करके रख देती है अगर तरीका वैसा हो तो, लेकिन अगर हम तरीका चेंज कर लें तो यस हम इसमें बोर भी नहीं होंगे और हमें अच्छे से सीखने को भी मिलेगा और इसी बात के हम पैसे लेते हैं क्योंकि हमारा तरीका बहुत अच्छा है, राइट, अमेरिकन बालों का। ऑलराइट तो देखिए बेसिक क्या होता है, बेसिक वही होता है जो आपको पहले से पता है बट स्टूडेंट्स के दिमाग में ये दौड़ता रहता है कि शायद टीचर कुछ अलग बता दे, बट बेसिक वही है जो आपको बचपन से पता है। हो सकता है मैं डिफरेंट तरीके से समझाऊं तो आपके दिमाग में अच्छे से वो एंटर कर जाए। ऑलराइट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन
चीजों का बहुत यूज होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं वो तीन चीजें ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यू नो डिफाइन करती है। और वो तीन चीजें क्या है वो मैं थोड़े से आगे बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं दूसरी तीन चीजें क्या है। सब्जेक्ट का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, सब्जेक्ट कोई बोलता है सर सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। टेंथ के बाद क्या सब्जेक्ट था सर कॉमर्स था सर पढ़ने में अच्छा नहीं था ना, मैं अपनी बता रहा हूं राइट। कुछ लोग बोलते हैं सब्जेक्ट का मतलब करता होता है यू नो ग्रामर में काम करने वाला करता, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है राजा की प्रजा। तो देखते हैं यहां पर ये सब्जेक्ट क्या काम करेगा। अब देखो यार इंग्लिश में सब्जेक्ट का अगर हम काम कर रहे हैं तो यहां पर प्रजा वाला तो कुछ होगा नहीं ऐसा, और ना यहां पर विषय वाला होगा वो हो चुका। तो यहां पर सब्जेक्ट का मतलब है काम को करने वाला। प्रॉब्लम यहां नहीं होती, प्रॉब्लम यहां होती है जब सब्जेक्ट किसी से आप पूछोगे तो पता है वो क्या बोलता है सर आई यू वी दे ही शी इट नेम और क्या, ठीक है भाई यही सब्जेक्ट है बात। क्या आप हमेशा एनी सब्जेक्ट की बात करोगे? तो भाई सब्जेक्ट का कुल मिला के मतलब है काम को करने वाला। अब काम तो कोई भी कर सकता है, जानवर एनिमल्स कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं मतलब इंसान भी कर सकते हैं राइट, और यू नो मशीन्स भी कर सकती हैं। काम किसी के भी द्वारा हो सकता है राइट। आप किसी ने बोल दिया कि ये चेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये रखिए आपको देखेगी नहीं शायद, ठीक है भाई ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट तो नहीं हुआ, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। बट भैया ये भी सब्जेक्ट हो सकती है, लो भाई चेयर घूम रही है, मैंने घुमा दी उसको चेयर घूम रही है, अब काम कौन कर रहा है, आप घुमा रहे हो क्या? नहीं वो घूम रही है ना अपने आप, तो चेयर भी सब्जेक्ट हो गई। अब आप कैसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट हुआ? तो ध्यान यू नो टेंस हम सीख रहे हैं पर सेंस भी हमें लगाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा काम होगा दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारे लोगों को पता होता है ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोल देते हैं सर इसको ऑक्सिलरी वर्ब तो बोलते हैं लेकिन सर इसको हेल्पिंग वर्ब भी तो शायद, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर? हाँ भाई ऑक्सिलरी वर्ब टफ माना जाता था तो कुछ लोग इसे बोल नहीं पाते थे राइट, तो उन्होंने क्या किया हेल्पिंग वर्ब कर लिया इसे। वैसे आप ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे तो हेल्पिंग वर्ब नाम का कोई शब्द है ही नहीं, बट गूगल पे सर्च करो आपको मिलेगा। सो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर इक्वल, दोनों का एक ही मतलब है राइट। पर ये है क्या, बस आप इतना जान लो ऐसे शब्द जो हमें समय का बता दे कि किस समय की बात चल रही है उन शब्दों को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। थोड़े से आगे मैं सारी ऑक्सिलरी वर्ब लिख के दूंगा आपको कितनी होती हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा और दिमाग में चला जाएगा। बट सहायक हयायक क्रिया ना बोले यार इसे, सिंपल सर ऐसा शब्द जो समय बता दे वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वही हेल्पिंग वर्ब होता है, बात खत्म। तो समझ रहे हो ना आप। तीसरी चीज है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। देखो भैया अगर आप मुख्य क्रिया लेके चलोगे तो ये बहुत सारी जगह यूज होती है, और कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि मुख्य क्रिया तो इसके बाद आती है उसके बाद आती है, ना ना ना, हमें एक चीज दिमाग में डाल लेनी, अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है। सब्जेक्ट जिस काम को करे वो मेन वर्ब होगा, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट अभी बताया, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होगा वो काम जो होगा वो मेन वर्ब होगा। सपोज सब्जेक्ट ये चेयर है, अभी बताया था ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और सब्जेक्ट भी हो सकती है। अब चेयर घूमने का काम कर रही है राइट, चेयर घूम रही है तो सब्जेक्ट चेयर हुई, और चेयर कौन सा काम कर रही है घूमने का, तो घूमना क्या मेन वर्ब, बात खत्म। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें आगे मदद करेंगी क्या करने में, टेंस को सीखने में राइट, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप यकीन मानिए जब मैं कुछ लोगों को देखता हूं टेंसेस पढ़ाते हुए यू नो यूट्यूब पर, और जब उनके मुंह से निकलता है ना लाइक इंटरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पता है मेरे दिमाग में क्या आता है, वो वीडियो देखी होगी ना आपने पाकिस्तान वाली, ओ भाई मारो मुझे ओए मारो मुझे, ये आता है मेरे दिमाग में। मैं ये देखता हूं कि यार लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उनको मतलब उनके दिमाग में यह है कि अगर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो भाई साहब एक ही तरीका है दैट इज टेंस। ऐसा नहीं है भैया, आगे निकल गए हैं लोग, इंग्लिश कई और तरीके से भी पढ़ाई जा सकती है राइट। अब लोग कहते हैं तीन चीजें होती है, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है भाई। यार अब उन लोगों को पढ़ाइए जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव जब उनके दिमाग में जाता है चुभते हैं, उनको इरिटेट होने लगता है पता है आपको। तो भाई साहब
इंटरोगेटिव जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका मतलब निकल के आता है क्वेश्चन, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना। तो भाई साहब जब इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो क्यों ना इसको हम बोलें क्वेश्चन, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो या तो हम बातें क्वेश्चन वाली करेंगे या हम बातें आंसर्स वाली करेंगे, और आंसर दो होते हैं, या तो हां या फिर ना, बट नहीं हमें इंटरोगेटिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, तभी तो फील आएगा ना सर ग्रामर वाला। तो ऐसे फील ना करे भैया, बर्बाद हो जाओगे। तो इंटरोगेटिव को क्वेश्चन बोलते हैं, पॉजिटिव को यस और नेगेटिव को नो। तो बस बातें तीन तरीके की होती हैं, एक होगा क्वेश्चन, दो होंगे आंसर्स, यस और नो। तो देखिए इस तरीके से चीजें सिंपल की जाती है, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नहीं, सीधा क्वेश्चन। भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आते हमें, हमें आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछना है, राइट, हम ये सीखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, फिर हम उस टेंस पे आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सबर रखिए, आने वाले हैं उस पर भी, राइट। चलिए हाँ एक बार फिर से मैं बता दूं, माफ करना कुछ गलती से अच्छा निकल जाए किसी के लिए तो माफ कर देना, बुरा तो मैं बोलते ही नहीं हूं, राइट। तो चलिए अब हमने सीखा कि एक क्वेश्चन होता है और दो आंसर्स होते हैं, या तो यस या नो। हाँ आंसर्स ब्रिटिश इंग्लिश में आंसर होता है, अमेरिकन इंग्लिश में आंसर, आंसर, राइट, ऐसे इस चीज को बोलते हैं क्वेश्चन, ना कि क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन, राइट। प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो डाली है मैंने, आप देख सकते हैं जाके। वेल आगे बढ़ते हैं, देखो यार किसी से भी बात करने के लिए या आप उससे क्वेश्चन पूछोगे या किसी के क्वेश्चन का आंसर दोगे, एम आर राइट, यही होता है। और भाई अभी हमने थोड़े से पहले सीखा है पूरी इंग्लिश में तीन चीजें तो चाहिए ही हमें बस इंग्लिश बोलने के लिए, सब्जेक्ट, आपकी अपनी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, आपको तीनों चीजें अभी सिखाई है क्या होता है, आपने देखा है थोड़े से पहले, राइट। तो इन तीनों की मदद से ही पूरी इंग्लिश बनी हुई है। अब किसी से भी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, तो सबसे पहले उठा के ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो बस, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको भाई साहब हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और हमारी अमेरिकन में जब आप पढ़ोगे आके तो उसे टाइम वर्ड बोला जाता है। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अमेरिकन में एडमिशन लेके सीख सकते हैं वैसे, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आएगा आपका अपना सब्जेक्ट, और बेचारी मेन वर्ब लास्ट में ही रहती है हमेशा, मेन वर्ब। और भाई साहब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, वरना लोग गलती निकाल देंगे, यू नो बहुत दुश्मन है हमारे। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये बन गया आपका भैया फॉर्मेट क्वेश्चन का। अब हमें सीखना आंसर, यस वाले आंसर में आप सबसे पहले क्या लगाओगे, या देख देख लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं हिंदी में, आप आंसर देना, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, हां मैं आपसे प्यार करता हूं, आंसर में सबसे पहले क्या आ रहा है यार, सब्जेक्ट ही आ रहा है मैं, तो बस आंसर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, राइट, और सबसे लास्ट में हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब, राइट। ये मिल गया हमें किसका फॉर्मेट, यस वाले आंसर आंसर का। नो में क्या होगा, मैं आपसे प्यार नहीं करता, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट ही आएगा सबसे पहले, फिर आपकी अपनी ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर नॉट आएगा, नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा, और बेचारा मेन वर्ब लास्ट में, मेन वर्ब सबसे लास्ट में ही आता है। सो फ्रेंड्स यही फॉर्मेट है जिसपे पूरी इंग्लिश डिपेंडेंट है, राइट। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ फॉर्मेट है ही नहीं। सिंपल सी बात है, या तो किसी से क्वेश्चन पूछोगे या दो आंसर दोगे, बस इसी फॉर्मेट को हमें ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है अभी थोड़े से पहले बताया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है वो भी बताया, और फिर मेन वर्ब क्या होता है वो भी बताया, बस तीनों को अपनी अपनी जगह पर लगा देना है इस फॉर्मेट में। अब आते हैं हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। बट ये टेंस शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ये कितनी होती है मैं यहां लिख के आपको बताऊंगा, और वही टेंसेस होती है। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब आती है और अच्छे से आती है, तो इसका मतलब कोई भी टेंस आराम से बना सकते हो। आज हम सारी ऑक्सिलरी वर्ब तो सीख नहीं सकते एक ही क्लास में, राइट। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होती कितनी है और कैसी कैसी होती है। सो फ्रेंड्स यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कैमरे में। इन शब्दों को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दरअसल 24 होते हैं इंग्लिश में,
और यकीन मानिए अगर आप ये शब्द बहुत अच्छे से दिमाग में आके बैठे हुए हो, ऐसे बैठे हुए होना चाहिए कि टीचर आपसे बोले बताओ बेटा सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो आपका हाथ ऐसा हो रहा, बोले सर विल, सर इज ए मार, सर हैव, तो ऐसे दिमाग में डाल लेना इन शब्दों को। 24 होते हैं, मैंने 20 लिखे हैं, बाकी के बाद में देखें क्योंकि वो थोड़े से अलग है, राइट। इज एम आर वॉज वर, गधे से वेयर बोलते हैं उल्लू के पट्टे, जो होशियार होते हैं ना वो, तो हम बोलेंगे वर नॉट वेयर। हैव हैज डू डज डिड, सॉरी ये हैड है, डिड के बाद क्या आएगा, हैड, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, शैल, शुड, मस्ट, ये 20 है, तो इनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स बोल लो आप, टाइम वर्ड्स बोलो, कुछ भी बोलो, बस यही है, पूरे टेंसेस इन पे डिपेंड है। अगर आपके शब्द अच्छे से आते हैं, टेंस भी आपको अच्छे से आएंगे, अगर आपके शब्द और इनका यूज अच्छे से आता है तो अब देखिए, अब इनमें से सारे शब्द तो हम एक वीडियो में सीख नहीं सकते, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे तीन चीजों की, एंड दैट इज एम आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इज एम आर की ही इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, कैसे यूज होते हैं, इज एम आर ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, राइट। तो अब हम आपका पहला टेंस चालू कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, वरना कई बार लोगों के दिमाग में पता है क्या गुस्सा पड़ा हुआ है, जिस वाक्य के अंत में रहा रही आए तो वहां पर उस टेंस को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट समझिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि रहा रही आने पे टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बोला जाए, बिलीव मी बहुत सारे रूल्स होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम जो डूअर करते करते बता रहा है, समझ रहे हो बात को, ऐसा कोई भी काम जो चल भी रहा है और उसे करने वाला उस काम को बता भी रहा है, तभी उस काम को, उस समय को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब आप भी बताइए, क्या मैं अभी खड़े खड़े ये बोल सकता हूं आपसे आई एम स्लीपिंग, नहीं बोल सकता, क्यों, चूंकि मैं नहीं सो रहा हूं, बट जस्ट बिकॉज की मां साहब हमसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, 10 सेंटेंस बना के बता दो, हम बना के बता देते हैं, लो भैया आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, बात खत्म। बट समझो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इट इज कि जब आप काम को करते करते बता रहे हो तभी आप बोलोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, अब काम चल भी रहा है और मैं बोल भी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों, चूंकि यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूं, सेंटेंस तो सही है, रूल भी सही है, ट्रांसलेशन भी सही है, बट सेंस कहां है, क्या मैं नहा रहा हूं, बट मैंने बना दिया सेंटेंस क्योंकि मां साहब ने बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम को करते करते बताना। अब हम फॉर्मेट, हमने आपको फॉर्मेट बता दिया, अब हम एग्जांपल लेंगे यहां पर विद हिंदी, तो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये होता है। हिंदी अच्छे से लिखिएगा, मान लीजिए रहा रही होता है, अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं यहां पर फॉर्मेट लिखता हूं, ऑलराइट, शुरू करते हैं भाई। सिंपल सी बात है, आंसर अगर चाहिए तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना आपको, तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं हमको यू से क्वेश्चन पूछना है, अगर यू से क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम वर्ड या फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, आर। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लगा दो भैया आर, फिर क्या है डूअर, डूअर ही आता ना, आपने देखा था फॉर्मेट, आर के बाद यू लगा दिया, और सबसे लास्ट में आपने देखा था फॉर्मेटिव मेन वर्ब ही आती है। बट किसी ने कहा है कि जब इज एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब कहीं आ रही हैं, तो याद रखना, कसम खा लीजिए, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएं। यहां लिख देता हूं मैं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएं वर्ब की, कसम खा लो ऐसे, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगाऊंगा कुछ भी हो जाए अभी के लिए, राइट, कसम खा लो बिल्कुल। चलिए भाई, यहां पर अब जो भी वर्ब आएगी उसमें हम लगा देंगे आई एन जी क्वेश्चन। बट सर आर यू की हिंदी क्या है, हिंदी लिख दूंगा मैं साथ में, डोंट वरी, जब भी आपको सामने वाले से पूछना हो कि क्या तुम ऐसा काम कर रहे हो,
ये लो भैया, ऐसे सेंटेंस जब भी मुंह से निकले आर यू बोल दियो। आपको मुझसे पूछना है, सर क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या होगा? आर यू, लो भैया आर यू, जाना गो होता है, आई एन जी गोइंग, खत्म। आर यू गोइंग वर्ब क्या है? गो है ना, आई एन जी आएगा क्योंकि इस जमा आई एन जी आता है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा भाई, सर क्या आपको गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछा, यस वाला आंसर देते हैं हम। आंसर में बताइए सबसे पहले क्या आता है भाई, भैया सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब? हाँ सर सब्जेक्ट आता है, वेरी गुड, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट क्या है? अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा, और मैं आंसर दूंगा तो मैं मतलब आई टाइम वर्ड एम और जो भी एक्शन है वर्ब उसमें लगा दो आई एन जी। और अगर मैं ना बोलूं तो भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा क्योंकि आपने फॉर्मेट देखा अच्छे से। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन नॉट, एंड देन सबसे लास्ट में बेचारा वर्ब, उसके साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों आ रहा है? क्योंकि इस जमा के साथ आईएनजी आएगा, आईएनजी ही आएगा, दिमाग में डाल लीजिए। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर आप जा रहे हो क्या, रिपीट करना मेरे साथ, आर यू गोइंग। क्या पूछा? आर यू गोइंग। अब मेरी मर्जी, या तो मैं हाँ बोल दूंगा या ना। मैंने बोला यार हाँ ठीक है बाबा मैं जा रहा हूं भाई, आई एम गोइंग। क्या बोलूंगा भैया? आई एम गोइंग, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा ना, आई एम नॉट गोइंग। और एग्जांपल करते हैं हम आगे ताकि आपके और अंदर अच्छे से घुस जाए चीजें, राइट। तो भाई हमने सामने वाले से पूछा क्या आप पढ़ रहे हो, कैसे बनेगा? पढ़ना स्टडी होता है, आईएनजी लगा है स्टडिंग, आर यू स्टडिंग, क्योंकि रूल में आईएनजी है। गलती से मत बोल देना आर यू स्टडी, नो नो नो, मैं पढ़ रहा हूं आई एम स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा आई एम नॉट स्टडिंग। क्या तुम बोर फील कर रहे हो, आर यू फीलिंग बोर्ड? नहीं मुझे बोर फील नहीं हो रहा, आई एम नॉट फीलिंग बोर्ड। अच्छा क्या तुम हेलो, क्या तुम आ रहे हो? आना कम होता है, आई एन जी कमिंग, आर यू कमिंग? यार मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग। हाँ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुक जा, आ रहा हूं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अच्छा सुनो तुम लिख रहे हो ना, आर यू राइटिंग? हाँ मैं लिख रहा हूं, फोन पे बता दो या फिर सामने से बता दो। हाँ सर मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। नहीं सर मैं तो सुन रहा हूं, सर आई एम लिसनिंग, लिसन के साथ टू आएगा हमेशा, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूं, राइट। क्या आप मुझे देख रहे हो, आर यू लुकिंग एट मी? हाँ सर मैं आपको देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू। सर मैं नहीं देख रहा हूं आपको, आई एम नॉट लुकिंग एट यू। बन गए आर यू पे, आई एम पे, आई एम नॉट पे एग्जाम्पल, खत्म। लेकिन यहां खत्म नहीं हो जाती पारी, आर यू आई एम सिंपल है, हम बनाते हैं इज से थर्ड डूअर के लिए। अगर आप क्वेश्चन इन डूअर्स के लिए करोगे, इन सब्जेक्ट के लिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगी, यानी कि सबसे पहले इज आएगा। इज ही, और सबसे लास्ट में जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगा। मैं इसकी हिंदी लिखता चलूंगा, क्या ही का मतलब वह बोलने वाला सबसे बड़ा गधा, क्या वो ऐसा काम कर रहा है? आंसर यस वाला आपका, ही इज अ वर्ब में आई एन जी, हिंदी वो ऐसा काम कर रहा है। नो ही इज नॉट, वर्ब में आई एन जी, वो ऐसा काम नहीं कर रहा। बना लो एग्जाम्पल, हिंदी सामने लिखी है, रूल सामने लिखा है। क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग? हाँ वो जा रहा है भाई, ही इज गोइंग, वो नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग। वह बोलने वाले सबसे बड़े गधे उल्लू के पट्टे, वह मत बोलना, वो ही बोलना है क्योंकि हम वो बोलते हैं, राइट। सुनो वो आ रहा है क्या, इज ही कमिंग? हाँ वो आ रहा है, ही इज कमिंग, वो नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग। अब ही की जगह शी लगा दो, आपकी मर्जी भैया।
रही है कर देना, लड़कियां बुरा मान जाएगी, राइट। चलो भाई सुनो, क्या वो तुम्हें अवॉइड कर रही है? इज शी अवॉइडिंग यू? हाँ यार वो मुझे अवॉइड कर रही है, शी इज अवॉइडिंग मी। वो नहीं कर रही है मुझे अवॉइड, शी इज नॉट अवॉइडिंग मी। लो सुन, क्या वो आ रही है? इज शी कमिंग? हाँ भाई तू चिंता मत कर, वो आ रही है, शी इज कमिंग। यार नहीं सॉरी वो नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए यहां पर, अब नाम भी लेते ना, लो भैया नाम लगाते हैं। अब आप मासा लो की कहानी सुनना, नेम की बात हो रही है दादा, भाई साहब अब देखो आपको बिल्कुल ऐसे क्वालिटी वाले नाम मिलेंगे मास्टर लोगों के जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। राम, मोहन, सीता, मानता हूं रिस्पेक्टेड नाम है, बट यार आजकल नहीं होते यूज, वो नाम लिखिए जो आसपास के अपने दोस्तों के नाम ले लो यार, प्रॉब्लम थोड़ी है, मोहन ही चलता रहेगा क्या लाइफ टाइम? क्या मोहन जा रहा है? इज मोहन गोइंग? अबे नहीं लेना मोहन, ले मेरे स्टूडेंट का नाम लेंगे, मुरारी का नाम लेंगे हम। भाई सुनो, क्या मुरारी आ रहा है? इज मुरारी कमिंग? हाँ सर मुरारी आ रहा है, मुरारी इज कमिंग। सर मुरारी नहीं आ रहा है, मुरारी इज नॉट कमिंग। अच्छा सुनो, निधि आ रही है क्या? इज निधि कमिंग? हाँ सर आ रही है निधि, निधि इज कमिंग। निधि नहीं आ रही सर, निधि इज नॉट कमिंग। भैया ये नाम लिखिए ताकि दिमाग में घुसे आसपास वाले नाम, ना कि राम, मोहन, श्याम, राइट। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए आपको पहला टेंस सीखकर कैसा लगा? इसमें और एडवांस हम बातें कर सकते हैं, वैसे करेंगे भी आगे, बट इतनी जो मैंने इतनी बतौलेबाजी की है आपसे, कैसा लगा पढ़ के पहला टेंस? और आप चाहते हो मैं और ही वीडियोस लाऊं, मजा आया आपको, आगे सारे टेंसेस आपको पढ़ना है ऐसे, तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे दिल को खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आई वीडियो। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे एट होम, बाय बाय।